हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेरणा व्लॉग पर। और अभी हम पहुंच गए हैं डॉक्टर के यहाँ पर, और डॉक्टर के यहाँ पर दिखाने के लिए अभी वेटिंग में है क्योंकि टाइम लगता है। वैसे तो नाम लिखवा दिया था लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता ही है क्योंकि हमारे से पहले किसी और का नंबर आ गया था। तो अभी जब हमारा नंबर आएगा तब हम जाएंगे, और अभी हम वेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब के यहाँ पर। दोनों गए थे, ये लेके गए थे मुझे, तो बस अभी आ गए हैं। डॉक्टर को दिखा लिया है और उन्होंने दवाई दे दी है, तो दवाई ले रहे हैं बस। और उसके बाद मार्केट से आ रहे थे तो थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। ये ना अब मार्केट सजने लगी है, होली के लिए सज रहा है मार्केट, बाजार बाजार में होली के जैसे पिचकारी वगैरह सजी हुई हैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें। मार्केट अच्छा लगता है इस टाइम पर, और बस सभी सजावट देखिए सुंदर सुंदर लगने लगा मतलब मार्केट। तो बस अभी मार्केट से जा रहे थे तो सोचा चलो यहाँ से भी वीडियो बना लेते हैं। ये देखिए पिचकारी वगैरह सभी अच्छी अच्छी मतलब वो लगने लगे हैं। तो बस अभी यहाँ पर फ्रूट वाले के यहाँ पहुँच गए थे तो फ्रूट लेने थे, तो ये कहने लगे खाओ पियो थोड़े, तो दवाई कहाँ तक वो करोगे। तो फिर दवा फ्रूट भी लिए थे, थोड़े से चीकू वगैरह लिए थे, चीकू और अंगूर लिए थे। और तो बस मैं आ उसके गई थी बाद घर डॉक्टर आ के गए थे यहाँ हम। से और मैं दवाई लेके आ गई हूँ। अभी टेस्ट तो कुछ नहीं लिखा, बस एक्सरे लिखा है, वो करवा लेंगे अभी। तो जब जाएंगे, जब लेके जाना है वो, अभी करवा लेंगे, जब जाएंगे तो करवा लेंगे। और बस अभी आके मैं आराम कर रही हूँ, अभी कुछ खाना पीना तो बना नहीं है। और 1 बज चुका है, अभी कुछ खाना पीना नहीं है, आराम करूँ थोड़ी देर। वो नीचे से ऊपर आई, आना भारी हो गया, बस चला ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। तो बस अभी आराम करने के बाद देखती हूँ क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर देखते हैं जी। और फिर अभी ये है 5 बजे का टाइम, लगभग 5:15 का ही टाइम हो रहा होगा। और बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, मतलब भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी बच्चों को। आज दोपहर में खाना नहीं मिला क्योंकि मुझसे उठा नहीं गया इसको, वहाँ से डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद में मुझसे उठा नहीं गया। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो बस फिर बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बना, तो 1-2 ब्रेड ब्रेड रखी थी तो बच्चों ने वही खाई पता नहीं किस तरह से। और फिर मैंने सोचा चलो कुछ बना देती हूँ उनके लिए, तो जवे भी भुने हुए नहीं रखे थे तो फिर इन्हें भी भूनना पड़ा। तो जवे भून रही हूँ अभी और सोच रही हूँ कि इनके लिए नमकीन जवे बना देती हूँ, थोड़ा सा चाय नाश्ता से चाय से खा लेंगे। तो बस अभी उनके लिए जवे भून रही बना रही हूँ और ये खा लेंगे बच्चे। तो बस अभी वो कर लिया है तेल गर्म, जवे भुन गए मेरे तो उसे निकाल लिया है, और कढ़ाई में तेल डालकर प्याज और अजवाइन डाल दी है मैंने, ये भुन जाएंगी। तो ये भुन गई हैं देखिए, और इसमें बस अभी सब्जियां डाल दूंगी मैं जो भी मेरे पास हैं, वैसे तो ज़्यादा नहीं है, आलू और मटर हैं यही डाल दूंगी। और बस सॉरी मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है अभी भी मेरी। और बस जो सूखे मसाले हैं हल्दी नमक मिर्च ये डाल दूंगी। अभी मेरा धनिया भी नहीं पिसा है, धनिया देखिए मेरा कितने दिन का रखा हुआ है वो भी नहीं पिसा है, जो का तू रखा हुआ है। बस ये मान लो कि खाना ही बन रहा है, वो भी पता नहीं किस किस तरीके से बन रहा है, और कुछ भी काम नहीं हो रहा है, सारा ऐसा ही फैला पड़ा है। तो बस अभी मैं ये मसाले भून लूँगी, इसके बाद में पानी डाल दूँगी, बॉयल आ जाएगा तो वो हो जाएगी, अजवे डाल दूँगी इसमें। तो अभी पानी डाल दिया मैंने, जितना मुझे ज़रूरत है इसमें ये पानी डाल दिया मैंने, और इसमें बस बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद में जवे डाल दूँगी इसमें। नमक भी डाल दिया है, नमक बाद में पहले डाला था, पहले नहीं डाला था तो नमक भी डाल दिया है मैंने। और बस अभी मैंने बॉयल आ चुका है इसमें, तो अभी मैं जवे डाल देती हूँ इसमें और जवे बन जाएंगे और बच्चे खा लेंगे। सुबह से मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं मिला ढंग से खाने को, तो अभी मैं उनके लिए ये बना देती हूँ बस। तो चलिए जी पहले जवे बना लेते हैं। और ये भी मेरी इतनी हेल्प करा रहे हैं, सच में ये और बच्चे दोनों ही इतनी हेल्प करा रहे हैं। मैं तो सिर्फ खाना ही खाना बनाती हूँ, वो भी बन गया बन गया, नहीं तो ये बाहर से भी ले आते हैं। और बस सच में इतनी हेल्प करा रहे हैं, मुश्किल ही होता है कि मतलब कोई इतनी हेल्प करता है और सच में ही इनका साथ बना रहे, बस मुझे तो और कुछ भी नहीं चाहिए सच में। तो जो देखिए जी मेरे जवे बन चुके हैं और अब मैं बच्चों को फटाफट से दे देती हूँ बस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेरणा व्लॉग पर। और अभी शाम का टाइम है, 5:15 बज रहे हैं, और बस अभी
आज दोपहर में खाना नहीं बना, तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, मतलब ठीक बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। तो बच्चे भूखे हैं, भूख लग रही थी उन्हें, और तो कुछ नहीं बना आज, तो बस अभी थोड़े से जवे बनाए हैं नमक के, और बनाई है चाय थोड़ी सी, तो बच्चे खा लेंगे। क्योंकि देखिए भूखा तो नहीं रहा जाता, बच्चों को भूखा हुआ देख भी नहीं सकते। तो बस अभी थोड़ा सा ठीक तो नहीं है, लेकिन हाँ उठना तो पड़ेगा ना, बच्चों के लिए तो उठना ही पड़ेगा, अपने लिए चाय लेते रहो लेकिन बच्चों के लिए तो उठना ही पड़ेगा। तो बस अभी मैं उनके लिए थोड़े से जमे बनाए हैं और चाय बनाई है, थोड़ा सा खा लेंगे, और बच्चे भी थोड़े अभी देखते हैं शाम को, तो पता नहीं क्या बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा दे देती हूँ उन्हें कुछ खाने के लिए, मैं भूख लग रही थी उन्हें बहुत ज़्यादा। और उसके बाद खाने पीने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पर ये कपड़े ना, दो पूरी दो कुर्सियाँ भरी पड़ी हैं, मतलब कपड़े धुल तो जाते हैं, नहीं तह हो रहे थे, तह भी नहीं हो रहे थे, मतलब लग भी नहीं रहे थे, इस तरह से घर में बहुत बुरा हाल हो रहा है। और कुछ गर्म कपड़े हो रहे हैं ना ये जो रखने हैं, इनको भी सारे को फैले फैले पड़े थे, सारा घर मतलब बेहिसाब बहुत ही गंदा घर हो रहा था, मतलब तो ये दो कुर्सियाँ भरी हुई थी कपड़ों की। तो बस मैंने कहा अभी का तुम निकाल निकाल के दे बेटा मुझे, और मैं है ना लगा दूँगी इनको, तह लगा दूँगी, बैग में रखे जाएंगे ये। तो बस मैं इनके तह लगा रही हूँ, थोड़े थोड़ा सा वो करके इनके तह लगा दूँगी। मैंने कहा इतने नहीं तो बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, इनका हो जाएगा, इतने कपड़े हो रहे हैं। और अभी का मुझे निकाल निकाल के दे रही है और मैं लगा रही हूँ, और जो भी कपड़े मतलब वो अलमारी में लगा देगी, जो भी अलमारी के हैं वो अलमारी में लगा देगी, ठंडे कपड़े निकालने हैं जो वो अभी का ही लगा रही है, और मैं बस ये गर्म लगा दूँगी, और बैग वैग श्रेयांश उठा के बेड में रख देगा, तो बस हमारा ये काम निमट जाएगा। नहीं तो बहुत सच में ना घर इतना मैसी मैसी सा हो रहा है, कपड़े कपड़े सारे घर में ना कपड़े कपड़े से ही दिख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट बीच बीच में कर करके मैं कपड़े लगा रही हूँ, और बस ये सारे जर्किन वगैरह हैं ना बहुत सारे, इतने फैल, ये क्योंकि एक तो मोटे हो जाते हैं और फैल जाते हैं, सारी जगह घेर लेते हैं ये। तो बस अभी सारे के सारे मैंने उठा के रख दिए हैं, बच गए हैं अभी तो कुछ भी, क्योंकि जो धुलने थे वे भी बोले, मतलब ये बाहर से देखे किस दिन आए थे, उस दिन से हमारे कपड़े भी नहीं धुले, उनके बैग में ही रखे हुए हैं। अभी आज देखती हूँ, आज लगाऊंगी मशीन या कल को देखती हूँ, मतलब जो भी होगा। पता नहीं घर में ना कुछ भी ढंग से काम नहीं हो रहा है, और कोई आए ना तो कहेगा कि ये मतलब काम नहीं करती, सच में मेरा इतना बुरा हाल हो रहा है कि क्या होगा। तो बस देखिए, और बस अभी चारों के चारों हम रल मिल के ही काम कर रहे हैं, कोई कुछ काम कर लेता है, कोई कुछ काम कर लेता है, और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे फ्री होते ना तो मुझे टेंशन इतनी नहीं थी, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मेरी सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है। और बस अभी पता नहीं कब मैं ठीक होंगी, कब वो होगा अभी, तो चलिए जी बस डॉक्टर के यहाँ से भी हो गया है, दवाई आ गई थी और दवाई खा पी के ही थोड़ा सा रेस्ट सा मिला है, थोड़ा सा ही डॉक्टर से आराम सा लगा है। देखिए लग पता नहीं, और तो मुझे पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि लग हो जाए ठीक जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर टाइम हो गया, लगभग पौना महीने के करीब हो गया है, और इस बस बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि बुखार लंबा चल गया है और तबीयत ज़्यादा मेरी डाउन होती जा रही, शरीर से उठा नहीं जाता मुझसे बिल्कुल भी, इतना डाउन मेरा शरीर हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर